नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन, इनमें आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये लेसन आपको अच्छा लगेगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, 5 मिनट का वीडियो होगा और आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने वाले साइटोक्रोम किसके बने होते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रभावित की जगह प्रवाहित लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे श्वसन में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने वाले साइटोक्रोम किसके बने होते हैं, लौह तत्व, प्रोटीन के मिश्रण के। ध्यान रख लीजिएगा, जो साइटोक्रोम है वो लौह तत्व और प्रोटीन के मिश्रण के बने होते हैं। हरे रंग का क्लोरोफिल पदार्थ किसका बना होता है, तो हरा रंग का जो क्लोरोफिल पदार्थ है वो मैग्नीशियम तथा प्रोटीन के मिश्रण का बना होता है। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण तथा पीला रंग है वो जेंथ्रोफिल पिगमेंट के कारण होता है। वहीं बैंगनी, नीला बैंगनी व गुलाबी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, पौधों में हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है, पीला रंग है वो जेंथ्रोफिल पिगमेंट के कारण होता है। वहीं पर बात करें हम नीले बैंगनी और गुलाबी रंग की, तो ये सारे होते हैं एंथ्रोसाइनिन के कारण। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन इनमें से किसी ना किसी रंग के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों, आगे बढ़ने से बोल दूं आपको मैं, इसकी PDF फाइल तो आप हमारी वेबसाइट jepybhakar.com से डाउनलोड कर ही लेंगे। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास डेली जो हमारी होती है शाम के 9 बजे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है दोस्तों, तो वहाँ से भी जाके आप इसकी PDF फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दो मिलेंगे, एक तो हमारे jepybhakar.com वेबसाइट का मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। दोनों में से जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप इसकी PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ आगे मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जो भी हमारी लाइव क्लास हो या जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलेय होते हैं, तो देखिए वसा, चर्बी और अन्य तेलीय पदार्थ जो भी होते हैं वो किसमें विलेय होते हैं, तो देखिए क्लोरोफॉर्म, एसीटोन जैसे कार्बनिक के विलायक है उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, देखिए प्रोटीन है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर है वो लगभग, क्रमशः बात करूं मैं यहाँ पे 16 और 4% है वो होते हैं। और पेक्टिन क्या है, तो देखिए पेक्टिन है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हींग किसका उदाहरण है, तो हींग एक रेंजिन का उदाहरण है, रेंजिन का उदाहरण है। रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है, तो देखिए रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि है वो राउल फेला सरपेंटाइन है उससे प्राप्त होती है। तो ध्यान रख लेगा, रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि किससे प्राप्त होती है, तो रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि राउल फेला सरपेंटाइन से प्राप्त होती है। किस पौधे की छाल मलेरिया के रोग में उपचार में प्रयुक्त की जाती है, तो देखिए मलेरिया की छाल से क्विनिन है वो निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए बात करूँ मैं, यहाँ पे मले मले किस किस पौधे की, तो सिनकोना है, सिनकोना की छाल है क्विनिन उससे निकाला जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, सिनकोना की छाल से मलेरिया के रोग के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। और सिनकोना की छाल से क्या निकाला जाना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, उससे औषधि का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो है क्विनिन। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्विनिन है वो इसका नाम है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्विनिन और सिनकोना दोनों इंपॉर्टेंट है। तंबाकू पत्तियों से क्या प्राप्त होता है, तो तंबाकू पत्तियों से निकोटीन प्राप्त होता है, कॉफी के बीजों से कैफीन, और चाय की पत्तियों से कौन सा पदार्थ निकाला जाता है, तो थीन है वो निकाला जाता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आज अच्छे से तैयार कर ले। मॉर्फिन नामक पदार्थ निकाला जाता है पोस्ते के पक्के बिना पके फलों से, ध्यान रख लीजिएगा मॉर्फिन है वो पोस्ते के बिना पके फलों से निकाला जाता है। एल्ट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ों से क्या प्राप्त किया जाता है, जो आंखों की पुतली का आकार को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, तो ध्यान रख लीजिएगा एट्रोपिन है ये एल्ट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ों से निकाला जाता है। तारपीन का तेल एक द्रव्य रंजिन है, ये धर्म नहीं है माफ कीजिएगा, यहाँ पे द्रव्य है, तो एक द्रव्य रंजिन है जिसका जिसको प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा तारपीन का तेल है उसको हम यहाँ पे चीड़ के तने से प्राप्त करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, चीड़ के तने से किस तेल को प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल है उसको किससे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको तारपीन। इमली अंगूर किस प्रकार का में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली अंगूर जैसे पदार्थों में पाया जाता है। इसी प्रकार साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये नींबू जैसी प्रजाति है उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये सेब है माफ कीजिएगा, सेम नहीं है, सेब है ये, सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो सेब है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है।
कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है? तो देखिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष है वो कहलाता है आपका केंद्रक। केंद्रक में कांश होता है। तो देखिए केंद्रक है उसमें डीएनए का, या माफ कीजिएगा देने का जगह डीएनए है, तो केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो केंद्रक में डीएनए का अंश है वो 10% होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो गुणसूत्र में, या आपके क्रोमोसोम कह सकते हो आप। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे हैं वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। 1831 ईस्वी में इनके द्वारा खोज की गई थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो की गई थी फ्रीडरिक मोस्टर ने। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही के अंदर जो आपकी लेब जो ये एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, तो ध्यान रख लीजिएगा। डीएनए मॉडल के लिए 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वॉटसन, क्रिक और विल्किंस। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो इम्पोर्टेंट है, बनते हैं आपके लिए, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे लग रहे होंगे। केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रीडरिक मोस्टर ने की थी। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पे। और मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्र का अभाव होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा जो मनुष्य की जो त्वचा की बाहरी परत तथा आंखों के लेंस की कोशिकाओं में केंद्र का अभाव होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा मनुष्य की जो त्वचा की बाहरी परत है और आंखों के लेंस की कोशिका है उसमें केंद्र का अभाव होता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे वनलाइनर 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें लाइक जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने कमेंट बता सकते हैं। मान सकता हूँ मैं इसमें कुछ से थोड़ी त्रुटि वर्ण से कुछ आपके कुछ वर्ड है वो चेंज हो गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए मैं चेंज कर दूंगा अगले में, जो हमारी पीडीएफ फाइल है उसमें मैं सही ढंग से आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों क्या कहूँ मैं, आप अगर चाहे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, और लाइव क्लास हमारी 9 बजे होती है, उसमें भी जरूर आइएगा। धन्यवाद दोस्तों।